audio jungle. शहर के काकरान वाटिका निजी बैंकट हॉल में आज ब्राह्मण महामिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि ब्राह्मणों की समस्याओं को लेकर आज इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग में आता है और सदैव से बीजेपी के साथ रहा है। साथ ही सरकार के संगठन में हमारे द्वारा हमेशा से ब्राह्मणों को लेकर जो भी उनकी समस्याएं हैं वही रखी जाती रही हैं। मायावती द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने को लेकर अजय मिश्रा ने बताया कि मायावती व सपा द्वारा प्रबुद्ध का सम्मेलन केवल जाति के आधार पर और वोटरों को लुभाने के लिए किया जाता है, लेकिन बीजेपी हमेशा से सभी धर्म व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ रही है। उसने कभी राजनीतिक कारण से प्रबुद्ध वर्ग का साथ नहीं दिया है, जबकि अन्य दल के लोग राजनीतिक फायदे के लिए प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर अजय मिश्रा ने बताया कि प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण समाज के लोग इस चुनाव में बीजेपी का साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ब्राह्मणों की संबंधित समस्याओं को लेकर हम पहले भी सरकार को समय समय पर उनकी समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं और समय समय पर इन समस्याओं को लेकर सरकार द्वारा फैसले लिए गए हैं। ब्राह्मणों का सम्मेलन है, क्या कहना है? देखिए, ये एक वर्ग विशेष के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है। हमारे जिला अध्यक्ष जी और धनंजय शर्मा जी ने इसको आयोजित किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रबुद्ध वर्ग के संपर्क में रहती है। हमारे यहाँ प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भी है, हम उस पर भी काम करते हैं और सरकार संगठन के विषय में जो हमारी योजनाएं होती हैं उसमें उनके सामने हम अपनी बात को भी रखते हैं और उनसे सहयोग लेने की अपेक्षा भी रखते हैं। अच्छा, मायावती के बाद में, बसपा के बाद में बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी प्रबुद्ध सम्मेलन करने की? देखिए, मायावती और अगर सपा की आप बात करें वो जाति विशेष के लिए प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन करते हैं। हमारे यहाँ प्रबुद्ध वर्ग प्रकोष्ठ 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब से है और हम हमेशा प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठकें, आयोजन, कार्यक्रम, प्रशिक्षण, उनके साथ साझा वार्ता सब करते हैं और आज से नहीं कर रहे, हम 41 साल से कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये केवल राजनीति के लिए और कुर्सी तक कैसे पहुँचे और उसमें कौन सीढ़ी बन सकता है, ऐसे सारे प्रयासों के कारण एक जाति विशेष के लिए सम्मेलन करते हैं। ऐसे क्या भाजपा को लगता है कि ब्राह्मण छिटक सकता है? बिल्कुल नहीं लगता है। ब्राह्मण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। ऐसे हम लोग जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन आपने चूंकि प्रश्न किया है मैं आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मण सदैव से भाजपा के साथ था, है और रहेगा और आने वाले समय में हम सर्व समाज साथ लेकर अपने विकास के जो हमने काम किए हैं, जो सरकार ने हमारी 2017 से 2022 तक काम किए हैं उनको लेकर के, क्योंकि उनको भी पूरे बहुमत की सरकार पहले बसपा की 2007 से 2012 तक रही और 2012 से 2017 तक रही, उनको जनता ने परिणाम दिए हैं। अखिलेश यादव जी लगातार 14, 17, 19 के चुनाव हारे हैं, मायावती जी लगातार हार रही, 19 सीटें बची थी, आधे से ज़्यादा विधायक फिर उनको छोड़ के चले गए, ऐसी उनकी कोई स्थिति नहीं। हम फिर से 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। थैंक यू।